नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12, यानी कि केबीसी। अगर हम बात 2020 की करें तो जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार की सीजन में दो राउंड में रजिस्ट्रेशन हुआ है, दो चरण में रजिस्ट्रेशन को किया गया है, और इसी को लेकर जो है आज भी केबीसी के काफ़ी सारे प्रतिभागी हैं जो नाराज है। और यही कारण है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते होंगे बायकॉट केबीसी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। आज के डेट में केबीसी प्रतिभागी की तरफ से काफ़ी सारा ये सवाल पूछा जाता है कि क्या जो सेकेंड राउंड रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें पर्सनल इंटरव्यू कॉल के लिए जो है प्रतिभागी को चयनित किया गया है कि नहीं किया गया है। क्योंकि आज के डेट में लगभग यहाँ पे 99% जो प्रतिभागी हैं उनके दिमाग में एक ही बात फिक्स हो गया है और उनको यही एक चीज़ लग रहा है कि नहीं, केबीसी जो है प्रतिभागी के साथ नाइंसाफी किया है और जो सेकेंड राउंड रजिस्ट्रेशन करवाया है वो सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया है। क्या ये सही है या फिर गलत है, ये सारा आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और ये भी कन्फ्यूजन आज इस वीडियो में हम आपको दूर करने वाले हैं कि क्या सेकेंड राउंड वाले रजिस्ट्रेशन के प्रतिभागी को पर्सनल इंटरव्यू कॉल का सिलेक्शन हुआ है या फिर FFF के लिए मुंबई उनका बुलावा आया है या फिर नहीं आया है, वो सारा आज इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए KBC के आप जितने भी प्रतिभागी हैं, अगर जिनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि KBC जो है जनता को बेवकूफ़ बनाया है, तो इस पर हम सबसे पहले एक बात आपको बता दें कि KBC ये पहली बार नहीं हुआ है जब KBC को लेकर जो है दर्शक के मन में आक्रोश भरा पड़ा हुआ है या फिर बायकॉट KBC कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है। KBC की अगर स्टार्टिंग सी बात करें तब से लेकर आज तक जो है ये शुरू से चलता आ रहा है, यानी कि हर बार, चूंकि जाहिर सी बात है अगर करोड़ों प्रतिभागी हैं तो करोड़ों प्रतिभागी के साथ करोड़ों वहाँ पर समस्या भी है। हर प्रतिभागी अपने समस्या को लेकर वहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जिस तरीके से प्रतिभागी को जैसा जैसा समस्या होता है उस तरीके से वो KBC को लेकर नाराज होते हैं। लेकिन अगर बात इस सीजन की करें तो इसमें जो सेकेंड राउंड रजिस्ट्रेशन हुआ था, आखिर इसकी नौबत क्यों आई, ये आप समझिए। जैसा कि आपको मालूम है कि KBC के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब साल 2020 में इसका दूसरा बार जो है रजिस्ट्रेशन करवाया गया। आखिर दूसरी बार KBC को रजिस्ट्रेशन करवाने की नौबत क्यों आई, ये आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं। अगर आप KBC के प्रतिभागी हैं तो ये आपको मालूम होगा, चूँकि पहले चरण वाले में जब ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था तो उसमें काफ़ी सारे प्रतिभागी को ये पता नहीं था कि वीडियो जो है कैसे सबमिट करना है या फिर ऑनलाइन ऑडिशन वाले में कैसे जो है प्रतिभागी को वहाँ पर सवाल का जवाब देना है या फिर समय से लेट होने पर अगर वो सोनीलिव ऐप पे पहुंच रहे थे तो उनको वहीं पे रोक दिया गया था। यानी कि इस तरीके से उस दिन की बात करें, फर्स्ट राउंड वाले अगर ऑनलाइन ऑडिशन की बात करें तो उसमें प्रतिभागी को काफ़ी सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा था और यही को इसी बात को लेकर जो है प्रतिभागी सोनी TV चैनल पर गुस्सा हुए थे और ट्विटर पर जाके वो बायकॉट KBC वहाँ पर टेक्स्ट कर रहे थे। इस बात को आभास सोनी TV को भी अच्छे तरीके से हुआ और कहीं ना कहीं सोनी TV को लगा कि जाहिर सी बात है ये KBC प्रतिभागी के साथ जो है नाइंसाफी हुआ है और चूंकि पहली बार हुआ था सारा फॉर्मेट जो है ऑनलाइन के आधार पे वहां पे निभाया गया तो प्रतिभागी को काफी सारे समस्याओं का सामना भी वहां पे करना पड़ा और इस बात को सोनी TV एक्सेप्ट करते हुए दोबारा प्रतिभागी को मौका दिया, यानी कि पहले वाले रजिस्ट्रेशन को कैंसिल नहीं किया लेकिन दोबारा उन्होंने प्रतिभागी को फिर से मौका दिया कि जो प्रतिभागी चूक कर गए थे या फिर जो छूट गए थे वो फिर से KBC के री रजिस्ट्रेशन में वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दा पे, जो आपका कन्फ्यूजन है कि क्या KBC जनता को बेवकूफ़ बनाया है। डायरेक्ट इस पॉइंट पे हम आपको बात करते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। तो देखिए सच्चाई 110% है। इस पॉइंट को न तो सोनी TV यहाँ पे झुटला सकता है या फिर न कोई दर्शक इसमें किसी को बरगला सकता है। ये री रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ही सिर्फ और सिर्फ था कि KBC ने अपने गलती को एक्सेप्ट किया और इसी को लेकर जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया। अब एक पॉइंट और इसमें देखने वाला होगा कि अगर सेकेंड राउंड जो रजिस्ट्रेशन हुआ क्या उसमें नए प्रतिभागी पार्टिसिपेट किए थे, इस बात को आप समझिए। यानी कि ऐसा तो नहीं कि जो पहले चरण वाले में प्रतिभागी थे जो लोग छूट गए थे वही प्रतिभागी फिर से जो है सेकेंड राउंड रजिस्ट्रेशन में हुए, तो बिल्कुल फैक्ट है यही बात हुआ है। अगर नए प्रतिभागी की हम बात करें जो या तो पहले चरण वाले रजिस्ट्रेशन में थे और सेकेंड राउंड वाले रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से यहाँ पे 5,000 से लेकर 10,000 प्रतिभागी जो है नए जुड़े होंगे जो सेकेंड राउंड रजिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं, नहीं तो सारे वही पुराने वाले दर्शक हैं जो पहले वाले राउंड की रजिस्ट्रेशन के
प्रतिभागी हैं। अब चूंकि उनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है, इसलिए दर्शक आक्रोशित है और उनको यहाँ पे ये लग रहा है कि केबीसी जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड वाले रजिस्ट्रेशन के जो प्रतिभागी थे उन्हीं के पास पर्सनल इंटरव्यू कॉल कर रही है या फिर FFF के लिए जो है बुलावा आ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले देखिए, अगर केबीसी ये गलती किया भी है, इस बात को हम यहाँ पे मानते भी है कि अगर केबीसी प्रतिभागी के साथ नाइंसाफी किया भी है, सिर्फ और सिर्फ झूठ मूठ के एक दिखावा कर दिया कि चलिए हम दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा लेते, इस भी बात को हम मानते हैं। लेकिन इस बात को आपको समझना चाहिए कि सोनी टीवी जो है इतना छोटा माइंड का नहीं है, यानी कि जिस तरीके से वो समस्याओं का सामना करते हुए शुरू से आया है, तो आज के डेट में उसको पता है कि प्रतिभागी कहाँ पे केबीसी को पकड़ सकता है या फिर कोई एक्शन लेना चाहता है तो किस तरीके से केबीसी पे एक्शन ले सकता है। ये केबीसी टीम को अच्छे तरीके से पता है। अगर आप केबीसी के प्रतिभागी हैं तो आप केबीसी रूल और रेगुलेशन को आप पढ़िए, तो जो रूल आप रेगुलेशन देखेंगे, केबीसी आपसे शुरू से बॉन्ड बनवा लेती है, यानी कि जिस समय आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी समय केबीसी आपको बंधित कर देता है और उसके आधार पे केबीसी चाहे तो कहीं पर भी आपको डिस्कनेक्ट कर सकता है। यानी कि आपका फास्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए बुलावा आ भी चुका है, तब भी केबीसी टीम चाहेगी तो आपको वहाँ पर डिस्कनेक्ट कर सकती है, यानी कि शो से बाहर कर सकती है, चूंकि ये केबीसी का प्रावधान है और केबीसी आपसे पहले ही बॉन्ड बनवा के रख लेती है। चूंकि जाहिर सी बात है केबीसी का नियम कितने प्रतिभागी पड़ता है, हम तो सबसे पहले आज के डेट में यही कहते हैं कि जितने भी प्रतिभागी केबीसी शो में पार्टिसिपेट करते हैं उसमें मुश्किल से 10% भी प्रतिभागी केबीसी का रूल और रेगुलेशन नहीं पड़ता है, इसलिए उनको पता नहीं होता है। तो आज के डेट में एक बात तो आप समझ लीजिए, मानते हैं केबीसी ने प्रतिभागी के साथ यहाँ पे धोखा किया है, ये भी बात को हम मानते हैं कि जनता को बनाया, फिर भी कोई आपके पास राइट ही नहीं है कि आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। आप जिस एंगल से एक्शन लेकर आगे बढ़ेंगे, केबीसी के पास ये तर्क है, वितर्क है, वो अच्छे तरीके से जानता है कि कैसे जो है आगे की कानूनी प्रक्रिया उसको सॉल्व करना, और वहां पे यकीन मानिए कहीं पर भी केबीसी टीम जो टीम है वो कहीं पर फंसने वाली नहीं है। तो ये तो 110% है, इसमें हम भी आपको यहां पे कह सकते हैं कि बिल्कुल ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा था या फिर खानापूर्ति जिसको कहा जा सकता है, यही किया गया था जिसको लेकर जो है दोबारा रीरजिस्ट्रेशन किया गया। लेकिन यकीन मानिए रीरजिस्ट्रेशन वाले प्रतिभागी भी, यानी कि जो रीरजिस्ट्रेशन हुआ था केबीसी का, उसमें कुछ प्रतिभागी का सिलेक्शन हुआ है। ये अगर आपके मन में सवाल है कि क्या सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड वाले ही प्रतिभागी का सिलेक्शन हुआ है, तो नहीं, इस पर आप नहीं कह सकते। सेकेंड राउंड वाले भी रजिस्ट्रेशन में प्रतिभागी का सिलेक्शन हुआ, लेकिन नाम मात्र, जैसा कि हम आपको पहले ही बताते हैं कि बिल्कुल कम हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पे हम भी ये देख रहे हैं कि जो प्रतिभागी सेकेंड राउंड रजिस्ट्रेशन में आए हैं वही प्रतिभागी पहले वाले भी चरण में थे। तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन इसी को लेकर है और प्रतिभागी को यहाँ पे लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पहले चरण वाले का ही प्रतिभागी का सिलेक्शन वहाँ पे हुआ है, तो ऐसा नहीं है, पहले चरण वाले का तो हुआ ही हुआ है। और चूंकि वही प्रतिभागी दूसरी बार भी इसमें पार्टिसिपेट कर गए थे, तो यहाँ पे सेकेंड राउंड वाले में काफी कम लोगों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बोल देना किसी भी दर्शक की तरफ से या फिर किसी भी प्रतिभागी की तरफ से कि केबीसी का सेकेंड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है उसके प्रतिभागी को चयनित नहीं किया गया है, तो ये हम इस बात पे 110% मोहर नहीं मारते हैं और इस पे यहाँ पे केबीसी को दोषी भी नहीं मानते हैं। केबीसी सेलेक्ट की है, क्योंकि हमें तो साफ एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि जो केबीसी के फर्स्ट राउंड के प्रतिभागी थे वही प्रतिभागी सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट किए थे, नए प्रतिभागी बहुत कम थे, इसके आधार पर हम यहाँ पर नहीं कर सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपका जो यहाँ पर आवाज़ है या फिर आप जो सोच रहे हैं कि क्या केबीसी जनता को बेवकूफ़ बनाई है, तो इस पर हम दंड बोलते हैं कि हाँ, को बेवकूफ बनाई है और सिर्फ वो एक केबीसी टीम के तरफ से खाना पूर्ति किया गया था या अपनी गलती को वहां पे मानते हुए दोबारा उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, तो यही बात है। तो अगर आप केबीसी के प्रतिभागी हैं और एक तो जैसे अब जो है पर्सनल इंटरव्यू कॉल जाना बंद हो चुका है, तो अगर आपके मन में यह सवाल है तो नाइंसाफी केबीसी के प्रतिभागी के साथ किया गया है, चूंकि उसको अगर इस तरीके से करना था तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन यह भी आप डायरेक्ट मत बोलिए, सेकंड राउंड वाले जो रजिस्ट्रेशन के प्रतिभागी हैं उनको भी केबीसी मंच पे बुलाया जा रहा है और उनका भी सिलेक्शन यहां पे हुआ है।